हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो रिक्वायरमेंट है वो सऊदी अरबिया का रिक्वायरमेंट है और अर्जेंट रिक्वायरमेंट है सऊदी अरबिया का। सेक्टर रियाद के अंदर आपका जॉब रहेगा, वेयर हाउस हेल्पर चाहिए मुझे। ठीक है, वेयर हाउस हेल्पर मतलब जहाँ पे कोरियर का सामान आता है वो पूरा गोडाउन में जो रहता है उसको वेयर हाउस बोलते हैं। और उस वेयर हाउस के अंदर, गोडाउन के अंदर में क्या होता है, पैकिंग होता है, जो भी कोरियर का सामान जो भी आता है पैकिंग होता है, लोडिंग अनलोडिंग होता है, बार कोडिंग चेक किया जाता है, तो वेयर हाउस के अंदर में ये सारा आपका काम रहेगा। ठीक है, ए टू जेड काम आपको मिलेगा, लोडिंग अनलोडिंग, क्लीनिंग, बार कोडिंग चेक करना, ये सारा चीज़ जो है आपका काम रहेगा। और इसमें जो सैलरी है 1200 प्लस 200 सैलरी है, 1200 प्लस 200 रियाल सैलरी है। और जो है ओवर टाइम का आपको अलग से मिलेगा, 10 घंटे की ड्यूटी है, 10 घंटे के बाद ओवर टाइम का पैसा जो है आपको अलग से मिलेगा। ACNR पासपोर्ट ओनली, ACNR पासपोर्ट चाहिए, बेसिक इंग्लिश बंदे को आना चाहिए। ठीक है, और कंपनी का काम है, डायरेक्ट कंपनी का काम रहेगा। अगर आप जाना चाहते हैं इस जॉब के लिए तो आपका CV अच्छे से बनाइए। ठीक है, वेयर हाउस के अंदर में आप काम करेंगे, आप उसमें लिखिए कि मुझे वेयर हाउस में अप्लाई करना है और जो है मैं ये सब काम पहले कर चुका हूँ, इंडिया में या फिर गल्फ में किधर भी ये सब काम कर चुका हूँ, ऐसा आप CV के अंदर ऐड करके 1 PDF में पासपोर्ट का बैक एंड फ्रंट का स्कैन कॉपी, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, वैक्सीन का पेपर 1 PDF में मुझे भेज दीजिए। ठीक है, सिलेक्शन ले लेते हैं। उसके बाद जो है इसमें अगर आपका PCC अभी लागू हो गया सऊदी के अंदर तो बहुत ज़्यादा मगजमारी हो रहा है काम करने में। अगर आप PCC नहीं किया हुआ है तो भी PCC सेटिंग से हम लोग काम कर देंगे। ठीक है, और जो है इसमें 1400 टोटल सैलरी है, OT मिला करके आपको 1800 तक मंथली सैलरी आएगा। मैक्सिमम सैलरी जो है 1400-1500 सैलरी आपको जो है, 1500 बेसिक सैलरी बचेगा। ठीक है, उससे आगे ऊपर जा सकता है, नीचे नहीं आएगा, क्योंकि इसमें OT अगर लग गया तो सैलरी आप अच्छा कमा सकते हैं और बहुत अच्छा जॉब है। ठीक है, पढ़ा लिखा अगर कोई बंदा है तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कोरियर का जो काम होता है वो बहुत अच्छा काम होता है। और इसमें क्या है, आपको ज़्यादा लोडिंग अनलोडिंग भी रहेगा तो उसमें ज़्यादा आपको वज़न उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 10 किलो 8 किलो 12 किलो का जो बॉक्स रहता है वो इकट्ठा करके उसको पैकिंग करना है, फिर लोडिंग अनलोडिंग करना है, क्लीनिंग का काम रहेगा, बार कोडिंग चेक करने का काम रहेगा। ठीक है, क्योंकि वेयर हाउस के अंदर में जो है जो माल आता है वो माल पूरा पैकिंग करके अच्छे से फिर उसको अलग अलग जो शॉप रहते हैं, अलग अलग सुपरमार्केट रहते हैं, तो वो सब जगह में सामान भेजा जाता है। ठीक है, तो ये सारा काम आपका रहेगा। और आप इस काम में, अगर आपको नॉलेज है तो इस काम में आप जा सकते हैं, अगर नॉलेज नहीं भी है तो थोड़ा बहुत आप इधर उधर से पता कर सकते हैं कि वेयर हाउस के अंदर क्या काम रहता है। तो जॉब अच्छा है, अगर आप जाना चाहते हैं, 1400 रियाल सैलरी दे रही है, OT का अलग से मिलेगा आपको, और कंपनी आपको जो है किचन फैसिलिटीज़, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल इंश्योरेंस, इकामा, रिटर्न टिकट, बोनस, ये सारा चीज़ जो है कंपनी आपको दे रही है। अगर आपका मेडिकल किया हुआ है तो ये जॉब के लिए अप्लाई कीजिए। PCC जो है PCC सेटिंग से भी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए जो चार्जेस लगेगा वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए, सर्विस चार्ज क्या रहेगा वो मैं बता दूंगा आपको। लेकिन अभी सऊदी का जो है सर्विस चार्ज बहुत हाई है, अगर सऊदी का आप सऊदी जाना चाहते हैं और सर्विस चार्ज आप उतना पैसा खर्चा कर सकते हैं तो ही इस कंपनी के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर सोचोगे कि 70-80 हज़ार में अपना काम हो जाएगा तो बहुत मुश्किल होएगा।
70-80 हज़ार वाला अभी सऊदी का काम कुछ भी नहीं है। अगर आप सऊदी जाना चाहते हैं तो आपको मोटा पैसा खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। मैक्सिमम 1 लाख से ऊपर जाना पड़ेगा आपको, तो ही आपका सऊदी का काम हो पाएगा। तो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, जितना जल्दी हो सकता है मुझसे बात कीजिए। अगर आपका मेडिकल पासपोर्ट रेडी है तो कोरियर कीजिए, या फिर मुंबई में है तो ऑफिस में आकर के जमा कर दीजिए, आपका जो है वीज़ा लग जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।